हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 20 कॉन्सेप्ट्स और सोशियोलॉजिस्ट के बारे में, यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है किस सोशियोलॉजिस्ट द्वारा अपनी थ्योरी में यूज किया गया है। तो इससे पहले भी जो है हम 25 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं, वो वीडियो भी जो है आपको ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जो है उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है नंबर 1, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, यानी कि प्रत्याशित समाजीकरण। तो ये कॉन्सेप्ट दिया है सबसे पहले रॉबर्ट किंग मर्टन ने। नंबर 2 पर है सेंसेट कल्चर, जिसे जो है मटेरियलिस्टिक कल्चर भी कहा जाता है, हिंदी में हम कहेंगे संवेदनशील संस्कृति। तो ये कॉन्सेप्ट दिया है पिट्रिम सरोकिन ने। नंबर 3 पर है रेजिड्यूज, यानी कि अवशेष, ये कॉन्सेप्ट यूज किया है विल्फ्रेड प्रेटो ने। नंबर 4 पर है लिटिल कम्युनिटी, यानी कि थोड़ा सा समुदाय, तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया है रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा। नंबर 5 पर है वर्ड रैशनल, तो ये कॉन्सेप्ट दिया है मैक्स वेबर ने। नंबर 6 पर है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, यानी कि संकेतिक आदान प्रदान का रास्ता, तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है सबसे पहले हर्बर्ट ब्लमर द्वारा। नंबर 7 पर है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि वर्ग संघर्ष का संस्थागतकरण, तो ये कॉन्सेप्ट जुड़ा है राल्फ डेरेंड्रॉफ से। तो नेक्स्ट पर जो है नंबर 8 कॉन्सेप्ट इंटरैक्शन रिचुअल, यानी कि परस्पर क्रिया अनुष्ठान, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था रैंडल कॉलिंस ने। नंबर 9 पर है स्ट्रक्चरल विजिबिलिटी, यानी कि संरचनात्मक दृश्यता, तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया है आर के मर्टन ने, जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट किंग मर्टन। नंबर 10 पर है ब्रोनिस्लो मेलिनोवस्की द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट कूला एक्सचेंज। नंबर 11 पर है दी पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, यानी कि दर्शन शास्त्र की निर्धनता, तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया है कार्ल मार्क्स ने। नंबर 12 पर है एनोमी, तो ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते होंगे, और इस कॉन्सेप्ट को जिस सोशियोलॉजिस्ट ने यूज किया है उसके बारे में भी जो है आप जानते होंगे, तो वो सोशियोलॉजिस्ट है इमाइल डर्खाइम। नंबर 13 पर है एलिनेशन, यानी कि अलगाव की भावना, तो ये कॉन्सेप्ट दिया है कार्ल मार्क्स ने। नंबर 14 पर है सेक्सुअलिटी, यानी कि लैंगिकता, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है माइकल फूको ने। नंबर 15 पर है रिस्क सोसाइटी, यानी कि जोखिम समाज, तो ये कॉन्सेप्ट दिया है अल्रिक बेक एंड एंथनी गिडिंस ने। नंबर 16 पर है हाइपर रियलिटी, तो ये कॉन्सेप्ट दिया है जीन बॉद्रीलार्ड ने। नंबर 17 पर है मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी के उत्पादन के साधन, तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया है कार्ल मार्क्स द्वारा। नंबर 18 पर है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा यूज किया गया कॉन्सेप्ट सोशल एवोल्यूशन, यानी के सामाजिक विकास। नंबर 19 पर है सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स, यानी के अभिजात वर्ग का प्रसार, तो ये कॉन्सेप्ट जुड़ा है विल्फ्रेड प्रेटो से। सो फ्रेंड्स, लास्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 20, आइडियल टाइप, तो ये कॉन्सेप्ट है मैक्स वेबर का, आइडियल टाइप यानी के आदर्श प्रकार। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 20 कॉन्सेप्ट। रिटर्न में आपको ये कॉन्सेप्ट जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलें।